आज की स्टूडियो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो वर्ग यम और यन के विकर्णों का अनुपात 2:1 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। इसमें आपसे क्या पूछेगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिया मैं आपको इसका मतलब आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लू यहां से दो वर्ग है, ठीक है, यहां से इस तरह से दो वर्ग, पहला जो वर्ग इसका नाम क्या है, यम है, और ये दूसरा वर्ग है इसका नाम क्या है, यन है। इस तरह से आपको दो वर्ग आपको दे दिए। अब इसमें ये कहा गया इसके विकर्ण कितना है, विकर्ण का मतलब आपको ये दिया है, ये आपका विकर्ण है। पहले वाले का विकर्ण कितना है, दो है, और दूसरे वाले विकर्ण कितना है, एक है। तो प्रश्न ये पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इसमें आपको ये पूछा गया। ठीक है, आप कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला आपका यह है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहां से आप लिख वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एक फार्मूला आपको पता है भुजा का स्क्वायर होता है, और दूसरा फार्मूला इसका ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। आप यहां से लिख लिए विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और विकर्ण हमको पता है, दोनों वर्गों के विकर्ण हमको पता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। पहले के लिए क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, और विकर्ण का मान आपको दे दिया है, तो करना कि यहां आपसे 2 का स्क्वायर कर लीजिए और ये बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरे वाली क्या कर सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर लीजिए, तो विकर्ण कितना, 1 है, और ये कितना हो जाएगा, बटा 2। अब इनके बीच में क्या पूछा, अनुपात पूछा। ठीक है, पहले वाले का क्षेत्रफल आपको निकल गया और ये दूसरे वाले का क्षेत्रफल आपका निकल गया। इसमें पूछा है कि अनुपात पूछा, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अनुपात लगा दिया। ठीक है, तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप पे न्यूनतम फॉर्म रखता है। ठीक है, यहां से देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अगर आप इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर आप इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 होगा, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकाल सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 से क्या कर सकते हैं, आप क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 97 हो, तो प्रश्न में क्या पूछा आपसे, a b का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इसमें आपको इतने बराबर इतना दिया और इतने बराबर इतना दिया, पूछा कि आपसे इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये देखिए, अब करना है कि यहाँ से स्क्वायर के फॉर्म है ना, ये आपका स्क्वायर के फॉर्म है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ से क्या चाहिए, इसे कैसे करें कि हम लोग इसे स्क्वायर के फॉर्म में मिले। हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क होगा नहीं, दोनों पक्षों का क्या कर दे स्क्वायर कर, कोई फर्क होगा नहीं। अगर आप इसे प्रसार करें आपको इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, इसको प्रसार करें कितना मिल जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2ab हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला होता है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, 25 आपको मिल जाएगा। देखिए इसका मान आपको पता है, इसका मान आपको कितना दिया है, 97 दिया गया, आप इसे कितना रख सकते हैं, 97 रख सकते हैं। आप यहां से रख लीजिए माइनस कितना, ये 2ab इक्वल टू कितना, यहां से 25। अब ये जाके इसमें से इधर से जाके घट जाएगा, इसको इधर से क्या करिए, घटा दीजिए। अगर ये जाके घट जाएगा तो बच्चा कितना आपका, क्या करना आपको, 97 से 25 घटाएंगे तो कितना मिल जाए आपको, 72 आपको मिलेगा। कितना मिल जाए आपको, 72 मिलेगा, लेकिन माइनस में आपको मिलेगा। ठीक है, ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी, तो माइनस से माइनस रिजेक्ट हो गया। इसको यहां से 2 से काट दो कितने में कट जाएगा, 2 से अगर 72 को काट दो कितने में कट जाएगी, 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, अर्थात आपको ये पता चल गया कि a into b का मान कितना है, 36। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इस तरह से दे दिया और पूछा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सभी का क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके आधार सेम है क्या, तो मैं देख रहा हूँ सभी के यहाँ 3-3 है। अगर इनके आधार सेम है तो करना क्या आपको, देखिए सबसे बड़ी पावर कौन से हो जाएगी, यही इनका एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें मैंने आपको यही बताया, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या सभी के आधार सेम है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 3-3 सभी के। इसके बाद आपको ये चेक करना कौन बड़ी पावर है, जो बड़ी पावर हो जाएगी वही इन सभी क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा।
जो बड़ी पावर होगी वही इन सभी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बड़ी पावर आपकी यही है तो तीन की पावर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 3 की पावर 14, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस कर्डी में x इक्वल टू 20 है तो x का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करना है कि x की जगह क्या रखा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करने पे मुझे किसके बराबर चाहिए, 20 के बराबर चाहिए। यानी x का मान क्या रखा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करने पे 20 के बराबर मिल जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करें, ऑप्शन से सॉल्व करें। अगर पहला ऑप्शन लेके चेकिए तो x की कितना रखा जाए, 5 रखा जाए। अगर आप इसमें रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, और ये कर्डी में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे ये चीज मिले क्या, नहीं मिले, पहला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसको लेके चेक करते हैं, अगर आप इसको यहां से रखेंगे कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। आप कर्डी में कितना रखेंगे, 16 रखेंगे, कर्डी में अगर 16 रखेंगे, जब ये कर्डी से फ्री होगा 16, इसका मान कितना देगा आपको, 4 आपको दे देगा। कितना देगा आपको, 4, और इक्वल टू कितना है, 20। क्या देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे 20 मिले क्या, तो देखो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 20 के बराबर 20 मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात हम लोग बता सकते हैं कि x का मान कितना यहाँ पे है, 16 है। ठीक है, x का मान कितना है, 16 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ये कि इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से कितना, 12% अधिक है। तो पूछा क्या प्रश्न आपसे, चौड़ाई आपसे पूछा गया। ठीक है, हम लोग मान लें कि आयत की चौड़ाई कितना है, यहाँ से एक्स मीटर है, कितना हम लोग मान लें, एक्स मीटर। अब जो लंबाई है चौड़ाई कितना, चौड़ाई से कितना अधिक है, 12% अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 12% अधिक है। आप यहां से लिख लिए कि लंबाई कितना हो जाएगी, इसका क्या करना, आपको 12% अधिक है। जो भी ये चौड़ाई होगी अपने आप में 100% होगी। अगर आप इसका 12% निकालेंगे तो कह सकते हैं इसका डायरेक्ट क्या करें आप, 112% आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसका क्या करना, आपको डायरेक्ट इसका क्या करें आप, 112% आप निकाल लें। क्लियर है इतना। अब पूछा कि आपसे क्या दिया, आपको क्वेश्चन में क्या जानकारी, क्षेत्रफल आपको पता है। आप यहां से लिख लिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये तो फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई को लोग एल से इंडिकेट करते हैं और चौड़ाई को लोग बी से इंडिकेट करते हैं। इसका मान क्वेश्चन में दिया गया है कितना, यहाँ से 448 है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 448 आप यहाँ से। अब देखिए एल का मान आपको पता है, एल का मान आपको इतना दे दिया गया और चौड़ाई कितना देगी, एक्स देगी। इसमें रख लीजिए, यहाँ से एक्स हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 112 कितना हो जाएगा, 100, और इंटू चौड़ाई कितनी है, एक्स। अगर इसको यहां से मैं काट दूं, ठीक है, इसको यहां से काट दूं, 4 बार भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बार भी ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। अब करने की त्रिक को गुणा कर लीजिए, अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा। कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर आप इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 400 आपको मिलेगा। यहाँ पे जो पावर, अगर मैं इसको इधर से हटा दूं तो ये इधर आगे कड़ी लग जाएगी, नहीं लगी, जो पावर अगर इसको हटा दूं तो इधर आगे कड़ी लग जाएगी। देखिए जब 400 कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे आपको, 20 आपको देगा। कितना दे देगा आपको, 20 आपको दे देगा। ठीक है, अर्थात बता सकते कि आयत की चौड़ाई कितना आपको पता चल गई, 20 मीटर है। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर है, यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, सिरों की संख्या दी गई, आप यहां से लिख लिए कि सिरों की संख्या, ठीक है, सिरों की संख्या, जो फॉर्म में बकरियां और मोर है सभी के सिरों की संख्या कुल कितना दी आपको, 60 दी गई, आप यहां से लिख लिए, और सभी के पैरों की संख्या कितनी दी गई, 170 दी गई, आप यहां से लिखिए, पैरों की संख्या कितना दी गई है, 170 दी गई। तो प्रश्न ने पूछा कि आपसे बकरियों की संख्या आपसे पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे प्रश्न, बकरियों की संख्या आपसे पूछा गया। जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट करेंगे। अगर ये बकरियों की संख्या पूछे तो हम लोग क्या करें, मोरों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या मान लें, सभी मोर है,
जितने भी फॉर्म हो क्या है सभी मोर है, ठीक है, जितने भी फॉर्म में लोग हैं वो क्या है सभी मोर है। अब हमको ये पता है कि एक मोर के कितने पैर होते, दो पैर होते, एक मोर के कितने पैर होते, दो पैर होते, और इनकी संख्या कुल कितना है 60 है। तो 60 मोर के कुल कितने पैर हो जाएंगे, 120 पैर होंगे कि नहीं होंगे, कितने पैर हो जाएंगे 120 पैर हो जाएंगे। यहाँ पे पैरों की संख्या इतनी दी गई और यहाँ पे पैरों की संख्या हमको इतना मिल गई, करना कि इन दोनों का अंतर करके इसका आधा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर कितने का मिले आपको 50 का मिलेगा। अब 50 का करना क्या आधा के लिए, अगर आप इसका आधा के लिए कितना मिल जाएगा 25 मिले, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कुल कितनी बकरी है फॉर्म में, 25 बकरी है। इसमें करना क्या है एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया आप यहाँ पे लिखिए, सिरों की संख्या मैंने लिख लिया और पैरों की संख्या आप यहाँ पे मैंने लिख ली। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग क्या करें उसका अल्टरनेट करेंगे। अगर बकरियों की संख्या पूछे तो हम लोग मान लो जितने भी फॉर्म है ये क्या है सभी मोर है। अब हमको ये पता है कि एक मोर के कितने पैर होते, दो पैर होते, एक मोर के कितने पैर होते, दो पैर होते, 60 मोर के कितने हो जाएंगे 120 पैर होंगे कि नहीं, कितने पैर हो जाएंगे 120 पैर, और पहले से इतना पैर है, करना कि इन दोनों का अंतर करके इसका आधा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कॉमा बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपए मिलती है तो ए का भाग कितना, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इसमें ये पूछेगा 777 रुपए में ए को कितना रुपया मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी, ए कितने घंटे में करने के लिए कह रहा है, 4 घंटे में करने के लिए कह रहा है, आप यहां से लिख लीजिए। फिर क्या कर रहा है, जो बी है कितने घंटे में करने के लिए कह रही है, 5 घंटे में करने के लिए कह रहा है, और जो सी है कितने घंटे में करने के लिए कह रही है, 6 घंटे में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जो पैसे बटेगा इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर बटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, इन सभी का एलसीएम निकालना है, इन सभी का क्या करना आपको एलसीएम आपको निकालना है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही फास्ट ट्रिक है जिससे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी उसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे निकालें फिलहाल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करें निकाल लें। वैसे आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिए, ठीक है। 4 है 5 है और यहाँ से 6 है। सबसे पहले ये चेक करें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या, मैं देख रहा हूँ ऐसी संख्या नहीं, तो करना है कि आपको इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है। इन दोनों क्या करना है आपको आपस में कॉम्बिनेशन बनाना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों काटेगी, मैं देख रहा हूँ 2 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो किससे काट दी, 2 × 4 काटने के बाद करना है कि इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा ऐसे 6 × कितना आ जाएगा 12। अब इन दोनों क्या करिए आपस में गुणा कर लीजिए, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना आपको, इससे इसमें क्या करना आपको भाग, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 15 बार जाएगी, इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, यहां से 5 × 5 हो गया और 5 × 10, इससे भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी 10 बार जाएगी, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो ए एक दिन कितना काम कर रहा है 15 काम कर रहा है, और जो बी एक दिन कितना काम कर रहा है 12 काम कर रहा है, जो सी एक दिन कितना काम कर रहा है 10 काम कर रहा है। तो जो पैसे बटेंगे इन्हीं के आधार पर बटेंगे, कार्य करने के आधार पर बटेंगे, ठीक है। आप यहां से लिख लिए ए बी सी कितने कितने कार्य करें, ये 15, 12 और ये 10 काम करें। मैंने आपको क्या बताया, जो पैसे बटेंगे इन्हीं के आधार पर बटेंगे और कुल धन कितना है 777 रुपया। अब इन तीनों को जोड़ के इसमें क्या करिए भाग दीजिए, ठीक है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 37। 37 से क्या करना आपको 777 में आपको भाग देना, अगर आप भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार जाएगी और 3 × कितना 37 से कम 37। जितनी बार भाग जाएगी और किसका हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा पूछा है ना, तो ए वाले में लाके आप गुणा कर दिए, ए वाले में क्या करना आपको लाके गुणा कर दिए, तो इसका गुणा क्या करना इसमें करना, 15 × 15 हो गया, 15 × 15 और 15 × 30 से कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि 777 रुपए में ए को कितना मिलेगा 315 रुपए मिलेगा, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और उस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, जिसकी 5 वीडियो बनी उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन सभी वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
प्रश्न 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा। इसमें आपसे ये पूछा, इसमें आपसे क्या पूछा गया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन सेशन तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, किस कार्य को 20 दिन में करने के लिए कह रहा है आप यहां से, और जो बी है उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, ये 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, इन दोनों के एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको एलसीएम पढ़ा रखा है। ठीक है, एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दी, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देखें। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद करना क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। जैसे आप एलसीएम, आपको क्या पता चाहिए, टोटल कार्य कितना आपको ये पता चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या करना, आपको इससे इसमें भाग दें, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगी, सॉरी इससे इसमें भाग दें 5 बार भाग जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग दें भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और जो बी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और प्रश्न में क्या कहा गया, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी दोनों मिलकर साथ साथ कितने दिन तक कार्य किए, 5 दिन तक कार्य किए। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, और कितने दिन तक साथ साथ किए, 5 दिन तक। अगर एक दिन में 9 काम करें तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे ये लोग, 45 काम किए। करना क्या, 45 काम क्या करिए, टोटल काम इससे घटा लेंगे। ठीक है, अगर टोटल काम इससे 45 काम घटा लेंगे तो बचा कितना आपका, 55 है आपका, ये क्या हो गया, शेष कार्य आपका बचा, यही तो शेष कार्य बचा है। अब इसके बाद हो क्या रहा है, जो बी ये काम छोड़कर चला गया, ये बी क्या कर दिया, काम छोड़कर चला गया, तो कार्य में लगा कौन है, ए लगा। कार्य में कौन लगा, ए लगा, और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। करना कितना, यही तो शेष काम है, अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है और करना कितना, इतना। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दिया आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं कि शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, क्या करना आपको, 5 से भाग कितनी बार जाएगी, 11। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि जो शेष कार्य अगर ए से कराया जाए तो ये कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 11 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहली लाइन में क्या कहा गया, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अगर मैं मान लू ये ए है और ये क्या है, बी है, जब तक ये क्या करे, एक ही कार्य क्षमता बी से कितनी है, 2 गुनी, जब तक बी क्या करे, एक काम करेगा, तब तक ये कितना काम कर देगा, ये 2 काम कर देगा। इनकी ये क्या दिया, कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया। ठीक है, ये इनकी क्या दी गई, कैपेसिटी दी गई। कहीं पे अगर कार्य क्षमता का अगर रेशियो आपको पता है, ठीक है, अगर आपको कार्य क्षमता का रेशियो पता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं समय का रेशियो क्या होगा, तो करना क्या, आप इसको पलट दीजिए। अगर आपको कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता चल गया, मैं आपसे क्या पूछूं समय का रेशियो पूछूं, तो करना क्या, आप इसको क्या करिए, आप पलट दीजिए। अगर आप इसको पलट देंगे तो आपको किसका अनुपात पता चल जाएगा, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समय का अनुपात आपको पता चल, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से क्या कर रहा है, 10 दिन कम समय ले रहा है। कितना दिन कम ले रहा है, ये 10 दिन कम ले रहा है। ठीक है, कितना दिन कम ले रहा है, 10 दिन कम ले रहा है। अगर रेशियो में देखा है तो जो ए बी से कितना दिन कम ले रहा है, ये 1 दिन कम ले रहा है। रेशियो में कितना कम ले रहा है, 1 कम ले रहा है। करना क्या, इस कम से क्या करना, आपको इस कम में भाग देना है, तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार। जितनी बार भाग गई, इसका लाके इसमें गुणा कर दिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दिए। ठीक है, हमको ये पता चल जाएगा कि जो ए है टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, और बी वाले मिला के गुणा कर देंगे तो जो बी है टोटल कार्य कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा। इसका गुणा यहां से कर कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर कितना हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमको ये पता चल गया कि अगर टोटल काम मैं किससे कराऊं, ए से कराऊं, तो ये कितने में कर लेगा, 10 दिन में करेगा। जैसे कहने का मतलब ये, अगर मैं मान ली कोई कार है, ठीक है, अगर ये काम मैं किससे कराऊं, ए से कराऊं, तो ये कितने में करेगा, 10 दिन में करेगा। अगर यही काम किससे कराऊं, बी से कराऊं, तो बी कितने दिन करेगा, ये 20 दिन में करेगा।
तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे। ठीक है, क्या करें अगर ए प्लस बी दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें तब इस कार्य को कितने दिन करेंगे, इस क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो करना क्या आपको, इन दोनों क्या करें आप एलसीएम ले लिए, इन दोनों को क्या करना आपको एलसीएम आपको लेना है। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। और हमको ये पता है कि दोनों मिलके एक दिन कितना काम करें, अगर दोनों के कार्य मिला दिए तो दोनों मिलके एक दिन कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और करना कितना टोटल, यही तो कार्य है, और करना कितना है, 20 काम करना है। इससे क्या करिए आप इसमें भाग, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 × 6 = 18 और बचा कितना, 2। 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको क्या करिए इस तरह से छोड़ दीजिए, आपको ये क्या गया आंसर है, ये आपको क्या गया आंसर है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले कार्य क्षमता का अनुपात ये आप यहाँ से लिखिए, अगर आपको समय का अनुपात निकालना तो क्या करना आपको, इस रेशियो को आप पलट दीजिए, जो ए बी से कितना दिन 10 दिन कम लेते, मैंने यहाँ पे 10 दिन लिख लिया, लेकिन रेशियो में कितना दिन कम ले रहा है, ये 1 दिन कम ले रहा है, इससे क्या करना आपको इसमें भाग देना, जितनी बार भाग जाएगी इसका लाके इसमें गुणा कर दिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दिए, तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो ए है टोटल कार्य को 10 दिन में कर लेगा, अगर यही टोटल काम किससे कराऊं, 20 से कराऊं तो कितने दिन कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा। अब इन दोनों को क्या करना, एलसीएम निकालना, जैसे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चलेगा टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा। और हमको ये भी पता है कि दोनों मिलके एक दिन कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, इससे क्या करें आप इसमें भाग दिया आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिए। ठीक है, यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको टाइम आउट पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो क्लियर बहुत ज्यादा हुई। इसमें देखिए क्या कहा गया है, स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी है, इसमें आपसे ये पूछा, यानी कितना काम शेष बचा है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीके बताऊँ, आप यहाँ से लिख लिए, जो स्मिता क्या करिए उसी काम को कितने दिन करने के लिए कह रही है, 12 दिन में करने के लिए कह रही है, स्मिता जो एक काम को 12 दिन में करने के लिए कह रहे, और जो सैम है उसी काम को कितने दिन करने के लिए कह रही है, कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 9 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना क्या आपको, इन दोनों क्या करना आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या आपको, इससे क्या करिए आप इसमें भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, इससे भाग दे भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि जो स्मिता एक दिन में 3 काम करेगी और जो सैम एक दिन कितना, 4 काम करेगी। तो प्रश्न में पूछा कि आपसे 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद क्या काम छोड़ देते हैं, अगर दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, और कितने दिन तक 7-7 काम किए, 4 दिन तक, अगर एक दिन में 7 काम करें तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। तो टोटल काम से क्या करिए आप 28 काम घटा दीजिए। ठीक है, टोटल काम से क्या करना आपको, 28 काम घटा लीजिए, शेष कितना बच जाए आपका, इसको यहां से घटा लीजिए, कितना शेष बचा आपका, 8 काम आपका शेष बचा, कितना काम आपका शेष बचा, 8 काम शेष बचा है। लेकिन पूछा कितना हिस्सा बाकी है, इतना हिस्सा बाकी है तो कैसे बताएंगे आपको तरीका, अगर ऐसे देखा जाए तो कितना शेष बाकी है, 8 काम बाकी है। ठीक है, कितना बाकी है, 8 काम शेष बाकी, लेकिन क्या पूछा, कितना भाग पूछा है या कितना हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, करना क्या, आप यहां से लिख लीजिए जितना बाकी है आप इसको क्या करिए आप ऊपर लिखिए, जितना काम बाकी है आप इसको ऊपर लिख लिए और टोटल काम क्या करिए आप नीचे रख लिए। ठीक है, टोटल काम क्या करना आपको, नीचे लिख लेना है। देखिए, 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, कार्ड के छोटा कर लिया, 4 × 2 = 8 हो गया और ये 4 × 9 = 36। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया, 2/9 भाग इस बाकी रह गया। ठीक है, इतना क्या हुआ काम का बाकी हिस्सा, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।